बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण बारह जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भागलपुर के मसाड़ू गांव में 50 से अधिक घर गंगा में बह चुके हैं। नवादा में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के भी 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बुधवार को भी बने हुए हैं। यहां गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज 22 जिलों में अलर्ट जारी किया है, तो वहीं एमपी में भी आज 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यहां तापमान बढ़ना भी शुरू हो गया है। राज्य में मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो में 36.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इधर राजस्थान के आधे हिस्से में मॉनसून का लौटना भी शुरू हो गया है। प्रदेश में गर्मी का दौर भी शुरू हो गया है। बीकानेर, जैसलमेर में मंगलवार को दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसके चलते मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक पश्चिम बंगाल के 11 जिलों और उड़ीसा के 20 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में आज यानी बुधवार को अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।